हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर फाइव हमने प्रीवियस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया है तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं प्रॉब्लम सेट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स में solve the following, equation, उसमें फर्स्ट नंबर है अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कन्वर्ट करके सॉल्व करना है सो पहला इक्वेशन यहन एक्स प्लस टू अपॉन थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स अब इसमें हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई uh, करके ऐसा लिखेंगे हम टू इन टू वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन सिक्स इक्वेशन और लिखेंगे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड अब दोनों इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करेंगे दोनों में वन अपॉन एक्स वन अपॉइंट एक्स है और वन अपॉन वाई है अब ये जो टर्म है वन अपॉइन एक्स की इसे हम एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे जैसे कि एम एन लो या ए बी भी आप ले सकते हैं so, सो हम क्या लिखेंगे यहां पर रिप्लेसिंग वन अपॉन एक्स बाय एंड वन अपॉन वाई बाय एन कहा पर इन इक्वेशन वन एंड टू इन इक्वेशन वन एंड टू तो इसकी वजह से हमें दो नए इक्वेशन मिलेंगे तो क्या बनेगा टू वन अपॉन एक्स की जगह पर क्या पुट करना है हमें एम और वन अपॉन वाई की जगह पे हमें क्या पुट करना है एन तो ये मिलेगा हमें टू एम प्लस टू अपॉन थ्री एन इज इक्वल टू वन अपॉइन सिक्स इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर थ्री और ये इक्वेशन क्या बनेगा थ्री एम प्लस टू एन इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर फोर अब यहां पर ये नॉन लीनियर के लीनियर में कन्वर्ट हो गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए अब यहां पर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे So, यहाँ पर डिनिटर थ्री है डिनोमीटर सिक्स है इसे अगर हमें कैंसिल करना है तो इक्वेशन थ्री को हम क्या करेंगे सिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा? देखो यहां पर सिक्स टू जी ट्वेल्व ट्वेल्व एम प्लस अगर इसे हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें देखो यहां पर टू ऑप थ्री इन सिक्स थ्री वन जा थ्री टू जिक्स टू टू फोर फोर एन बनेगा To, ये क्या बनेगा वन अपॉइंट सिक्स इन टू सिक्स कैंसिल क्या बचेंगे 1, 5. अब 3 का क्या बनाया इक्वेशन फाइव बनाया अब इक्वेशन फोर और फाइव को ऑब्जर्व करो इसे हम इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे सो यहां पर थ्री एम so ए यहाँ पर ट्वेल्व एम ए मतलब इसे हम ट्वेल्व एम बना सकते हैं यहां पर टू एन ए यहाँ पर फोर एन ए हम इसे भी फोर एन बना सकते हैं तो इक्वेशन फोर को हम क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फोर को हम टू से मल्टीप्लाई थ्री टू जिक्स सिक्स एम प्लस टू टू जो फोर एन इज इक्वल टू जीरो इन टू टू जीरो मिलेगा इक्वेशन नंबर सिक्स मतलब फोर को हमने चेंज करके इक्वेशन नंबर सिक्स बनाया और थ्री का हमने क्या बनाया था फाइव बनाया था अब इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सिक्स में यहां पर फोर एन है यहां पर भी फोर एन है साइन चेक करो दोनों पॉजिटिव है अगर दोनों सेम साइन के है, तो हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे तो इक्वेशन फाइव और सिक्स का हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे दो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हमें करना है तो यहां पर साइन चेंज होंगे सो so, 12 माइनस सिक्स एम कितना होगा ये सिक्स एम फोर एन फोर एन कैंसल और वन माइनस जीरो क्या मिलेगा वन सो so, एम की वैल्यू हमें क्या मिलेंगी वन अपॉइंट सिक्स अब एम की वैल्यू वन अपॉइंट सिक्स हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे सो थ्री एम प्लस टू एन इज इक्वल टू जीरो सो एम की वैल्यू कितनी आई वन अपॉइंट सिक्स थ्री इन टू वन सिक्स प्लस यहां पे क्या मिलेगा हमें

एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए हमने इसको रिप्लेस किया था मतलब ओरिजिनल वेरिएबलेशन एक्स वाई तो हमें बट एम इज इक्वल टू वन अपॉइंट एक्स एंड एन इज इक्वल टू वन अपॉइंट वाई ठीक है एम so, की वैल्यू क्या है एक्चुअली हमने किसकी जगह पुट किया वन अपॉन एक्स तो यहां पर उनकी वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे उनको सो so, एम की वैल्यू कितनी मिली हमको वन अपॉइंट सिक्स तो यहां पर वन अपॉइंट सिक्स पुट करो वन अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स जा एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स की वैल्यू कितनी मिली हमें सिक्स मिली और एन की वैल्यू क्या है माइनस वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फोर इज इक्वल टू वन अपॉन वाई सो यहां पर हम y, y is, y is Toh, हमें मिलेगा माइनस वन इन टू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू फोर फोर दैट इज y इज इक्वल टू माइनस फोर तो हमें सोल्यूशन क्या मिला यहां पर एक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर इज फॉर गिवन साइमल्टेनियस क्वेशन ओके स्टूडेंट सो उम्मीद है आपको फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल अच्छे समझाउंगा देखो हम फिर से देखेंगे और सेकंड इक्वेशन को भी हमने इस फॉर्मेट में लिखा ताकि इनमें कॉमन चीज हो गई अब इन दो टर्म को हमने क्या किया दो नए वेरिएबल से रिप्लेस किया वन अपॉइन एक्स की जगह पे हमने एमपुट किया वन अपॉन वाई की जगह पे हमने एनपुट किया तो हमें दो नए इक्वेशन मिले अब यहां पर क्या हुआ इसका डिनोमीटर कैंसिल करना था इसलिए हमने उसको आगे और मॉडिफाई करके एक नया इक्वेशन बनाया अगर यहां पर लाइक टर्म्स है तो हम डायरेक्टली यहां पे इक्वेशन थ्री और फोर का एडिशन सब्टन ऑपरेशन करके वहां पर सॉल्व कर सकते हैं तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें एम और एन की वैल्यू मिलेंगी पर ये तो हमारे दो ही वेरिएबल है तो अब जो हमने पहले जो वैल्यू पुट किए थे वो फिर से हम लेंगे तो वहां पर हम m और n की वैल्यू पुट करेंगे और हमें जो ओरिजिनल जो वेरिएबल है एक्स वाई उनकी वैल्यू हमें मिलेंगी ठीक है अब देखते हैं सेकंड नंबर एग्जाम्पल एग्जांपल सेकंड में इक्वेशन है सेवन अपॉन टू एक्स प्लस वन प्लस थर्टीन अपॉन वाई प्लस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन और थर्टीन अपॉइन टू एक्स प्लस वन प्लस सेवन अपॉन वाई प्लस टू इज इक्वल टू थर्टी थ्री अब इस यहां पर अगर हम दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर भी देखो डिनोमीटर क्या है टू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन वाई प्लस टू वाई प्लस टू तो इक्वेशन वन को हमने इस फॉर्मेट में लिखा सेवन जो न्यूमीटर पार्ट होता है उसको हम मल्टीप्लाई फॉर्मेट में लेंगे और यहां पर क्या बचेगा इन टू वन होता है ना यहाँ पर वन अपॉन फॉर्मेट में लिखेंगे यहां पर भी हम थर्टीन को मल्टीप्लाई साइड में लिखेंगे सो so, वन अपॉन वाई प्लस टू बचेगा ठीक है ये इक्वेशन वन हुआ और गिवन सेकंड इक्वेशन इसे हम इक्वेशन टू नहीं देंगे इससे, इसको हम सिंप्लीफाई करके इसे हम इक्वेशन अच्छे से रिप्लेस करेंगे, तो so करेंगे और वन अपॉइट वाई प्लस टू को हम एन से रिप्लेस करेंगे आप एबी भी यूज कर सकते पी क्यू कर सकते हैं तो इक्वेशन वन अभी हमें क्या मिलेगा इक्वेशन थ्री बनेगा रिप्लेस करने के बाद तो सेवन एम प्लस थर्टीन एन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन इक्वेशन नंबर थ्री और ये बनेगा एन इज इक्वल टू थर्टी थ्री इक्वेशन नंबर फोर अब जब भी हमें हमने देखा है इलिमिनेशन मेथड में इस टाइप का अगर एग्जांपल हमें मिलेगा मतलब ये देखो क्रॉस वाला इसे हम कहेंगे मतलब यहां पर सेवन इसकी फर्स्ट फर्स्ट यहां पर को सेकेंड है इसका सेकंड कोई इफिशियंट यहां पर फर्स्ट कोई So, इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन के एक बार एडिशन करते हैं एक बार हम सब्ट्रैक्शन करते हैं so, सो हम क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर एडिशन करने क्या मिलेगा थर्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी एम प्लस ट्वेंटी एन इज इक्वल टू ये कितना मिलेगा हमें सिक्सटी मिलेगा अब यहां ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्सटी मतलब ये तीनों यहां पर ये दो नंबर और ये 60, ये तीनों जो नंबर है ये 20 से डिविजिबल है सो हम क्या करेंगे यहां पर डिवाइडिंग अबो इक्वेशन बाय ट्वेंटी हमें क्या मिलेगा ट्वेंटी ट्वेंटी एम प्लस एन इज इक्वल टू थ्री ये नया इक्वेशन मिला इक्वेशन नंबर फाइव ओके और सिमिलरली हमने जैसा एडिशन किया वैसा हम ये दोनों इक्वेशन का सब्ट्रेक्शन करेंगे एक बार यहां पर हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे सो सेवन माइनस थर्टीन ये कितना मिलेगा हमें यहां पर माइनस सिक्स मिलेगा क्योंकि स्मॉलर माइनस बिगर हो रहा है ना सो माइनस सिक्स एम थर्टीन माइनस सेवन कितना होगा प्लस सिक्स एन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन माइनस थर्टी थ्री सो ट्वेंटी सेवन छोटा है तो यहां पर हमें निगेटिव में आंसर मिलेगा अब यहां पर यह तीनों नंबर सिक्स डिविजिबल है सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई सिक्स So, cancels, हमें क्या मिलेगा माइनस एम प्लस एन इज इक्वल टू माइनस वन मिलेगा इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सिक्स अब इक्वेशन फाइव में यहां पर, so, पर और उस वाले इक्वेशन में प्लस एम एम तो हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन क्या करेंगे एडिशन करेंगे नहीं। तो इलेमिनेट हो जाएंगे एन प्लस एन टू एन और थ्री एडिशन विथ माइनस वन मतलब थ्री माइनस वन कितना मिलेगा हमें टू तो एन की वैल्यू कितनी मिली हमें टू अपॉन टू एन की वैल्यू मिले हमें वन अब हम क्या करेंगे एन की वैल्यू वन इक्वेशन फाइव यान की वैल्यू वन मिली एम प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एम इज इक्वल टू थ्री माइनस वन एम इज इक्वल टू टू पर ये जो मिले हमको ये हमने न्यू वेरिएबल लिए थे लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए पर हमारे इसमें मेन वेरिएबल कौन से एक्स वाई तो यहां पर हमें रिसब्स्टिट्यूट करना होगा बट हमने किसे एज्यूम किया था यहां पर एम uh, के, के, के लिए था हमने वन अपॉन एम इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स प्लस वन और हमने एन की वैल्यू क्या ली थी वन अपॉन वाई प्लस टू आई थिंक वाई प्लस टू यस सो यहां पर आप एम और एन की वैल्यू पुट करो एम की वैल्यू कितनी मिली हमको टू टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स प्लस वन और यहां पर ये मिलेगा हमें वन इज इक्वल टू वन अपॉन वाई प्लस टू सो ये क्या बनेगा देखो टू इन टू टू एक्स प्लस वन ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू वन इसे हम सॉल्व करेंगे टू टू ज फोर फोर एक्स प्लस टू वन ज टू इज इक्वल टू वन सो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो फोर एक्स इज इक्वल टू ये वन माइनस टू मतलब फोर एक्स इज इक्वल हमें क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस वन और x की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस वन अपॉन फोर क्या मिलेगा माइनस वन देखो अगर यहाँ पर y वाली टर्म प्रेजेंट होती तो अगेन हमें दो नए इक्वेशन मिलते बट यहाँ पे सिर्फ x वाली टर्म है मतलब हमें x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर y वाली टर्म है मतलब हमें y की वैल्यू मिलेगी So, y plus one ये वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन ये प्लस टू इधर आके माइनस टू बनेगा वाई इज इक्वल टू माइनस वन सो एक्स की वैल्यू मिले हमें माइनस वन अपॉइन फोर और वाई की वैल्यू मिले हमें माइनस वन तो ये क्या हमारे सोल्यूशन है ओके okay? उम्मीद है आपको सेकंड एग्जाम्पल भी अच्छे से समझाऊंगा स्टूडेंट चलिए देखते हैं थर्ड नंबर एग्जाम्पल थर्ड नंबर है, 148 X 231 y है इसे हम, जैसे पिछले दो एग्जाम्पल सॉल्व किए कि, कि, किसी नए वेरिएबल से हमें इसे यहाँ पर रिप्लेस नहीं करना है तो जब भी देखो यहां पर डिनोमीटर एक्स से वाई या वाई पहले में होगा पर यहाँ पर डिनोमेटर कितना है एक्स वाई अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन जब होगा So, उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे एक्स वाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी एक्स वाई अपॉन में यहां पर भी एक्स वाई तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे सो so, क्या स्टेटमेंट होगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू बाय एक्स वाई ठीक है अब रफ वर्क आपको करके हूं मैं देखो अगर हमने उस पहले वाली इक्वेशन को एक्स वाई मल्टीप्लाई किया So, हमें यहाँ पर हर एक टर्म को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना देखो ये एक्स एक्स कैंसिलेडी एट वाई प्लस ये वाई वाई कैंसिल होगा क्या बचेगा मल्टीप्लाई किया मिलेगा फाइव ट्वेंटी सेवन मतलब हमें एक नया इक्वेशन क्या मिला अगर हम इसे सॉर्ट करके लिखेंगे तो टू थर्टी वन पॉजिटिव टू थर्टी वन एक्स से तो वो पहले लेंगे हम टू थर्टी वन एक्स प्लस वन फोर्टी

ये y y कैंसल सो वन फोर्टी एट एक्स होगा ठीक है वन फोर्टी एट एक्स बाद में तो हमने वो पहले लिए टर्म x की टर्म अब यहां पर अगेन वही वो पैटर्न का क्वेश्चन है यहां पर सो so ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन की एक बार एडिशन करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे सब्ट्रेक्शन करेंगे अब यहां पर हमें क्या करना है इसकी एडिशन करना है अब एडिशन करना हमें क्या मिलेगा देखो यहां पर ये नाइन सेवन थ्री थ्री सेवनटी नाइन मिलेगा थ्री सेवनटी नाइन एक्स प्लस ये भी वही मिलेगा थ्री सेवनटी नाइन वाई इज इक्वल टू ये मिलेगा हमें वन हंड्रेड एंड थर्टी सेवन ठीक है अब यहां पर ये थ्री सेवनटी नाइन थ्री से डिवाइड है ये नंबर भी थ्री नाइन से डिविजिबल है आप यहां पर डिवाइड करके देखो तो ये थ्री से डिविजिबल मतलब थ्री सेवनटी नाइन वन थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी सेवन होता है सो so, इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे थ्री नाइन से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री इक्वेशन नंबर फाइव और एक बार हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करेंगे ठीक है माइनस ऑपरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हम देखो यहाँ पर टू थर्टी वन माइनस वन फोर्टी एक्स देन अब यहां पर ये यह स्मॉलर नंबर है स्मॉलर माइनस बिगर करेंगे तो हमें माइनस में आंसर मिलेगा इसलिए मैंने यहां पे माइनस लिया अगेन वही मिलेगा एटी थ्री वाई और यहां पर अगेन ये स्मॉलर माइनस बिगर है मतलब माइनस में आंसर मिलेगा हमें ठीक है सो so, यहां पर भी हमें कितना मिलेगा ये एटी थ्री मिलेगा आप सब्टन करके देखो आपको एटी थ्री मिलेगा अगेन ये एटी थ्री तीनों एटी थ्री मतलब एटी थ्री से डिवाइड है so, सो डायरेक्ट हम इसे एटी थ्री से डिवाइड करें क्या मिलेगा हमें एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन यहां पर हम इक्वेशन नंबर इसे सिक्स देंगे और रीजन में हम इसे कह सकते हैं डिवाइडिंग बाय एटी थ्री ऐसा भी हम लिख सकते हैं या आ, पहले लिख के फिर इक्वेशन भी लिखिए ये भी चलेगा और ये पैटर्न भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं अब इक्वेशन फाइव और सिक्स में यहां पर प्लस वाई यहां पर माइनस वाई तो एडिशन ऑपरेशन करो यहां पर प्लस एक्स यहाँ पर प्लस एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन करो बात एक ही है ठीक है तो बेटर है हम पहले एडिशन को हम प्रायोरिटी देंगे सो हम इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सिक्स की क्या करेंगे हम एडिशन करेंगे सो हमें मिलेगा एक्स प्लस एक्स टू एक्स ये वाई कैंसिल हो जाएगा और थ्री माइनस वन कितना होगा टू तो एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन टू एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली वन देन अगेन पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन फाइव फाइव इक्वेशन सिंपल है एक्स प्लस वाईक्वल टू थ्री एक्स की वैल्यू कितनी मिली प्लस वाईक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस वन वाईज हमें कितना मिला टू अब यहां पर हमने वेरिएबल नहीं लिया हमें डायरेक्ट यहां पर जो हमारे से जो स्टार्टिंग में जो वेरिएबल है एक्स और वाई उनकी वैल्यू मिली इज इक्वल टू वन टू इज अ अर फॉर गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन एक्जाम्पल नंबर फोर है सेवन एक्स माइनस टू वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव एट एक्स प्लस सेवन वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन अब यहां पर ये एग्जाम्पल नंबर थ्री के जैसा नहीं है ये डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है क्योंकि यहां पर कॉमन डिनोमिटर एक्स वाई अगर आप बोलेंगे हम एक्स वाई कैंसिल करना हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ये एक्स वाई उससे कैंसिल हो जाएगा बट फाइव को एक्स वाई मल्टीप्लाई आ जाएगा तब भी वो नॉन लिनियर ही रहेगा

माइनस टू इंटू वन अपॉन एक्स के फॉर्मेट में हो जाएगा इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर वन मतलब पहले पूरा सिंप्लीफाई करके लिया और फिर हमने इक्वेशन वन दिया ये भी आप पैटर्न से सॉल्व कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं अब सिमिलरली हम इक्वेशन हमें टू बनाना है तो इसी वे से हम प्रोसीजर करेंगे सो यहां पर डिनोमेटर कंबाइन है इन्हें बांट कर दो अब यहां पर देखो x x कैंसल ये बन जाएगा एट वाई प्लस वाई वाई कैंसल ये बन जाएगा सॉरी एट अपॉन वाई बनेगा सेवन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन इसे हम इस वे में लिखेंगे एट इंटू वन अपॉन वाई प्लस सेवन इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन यह बनेगा हमारी अब यहां पर आपको लगेगा सर हम वन अपॉन एक्स को एम ले या वन अपॉन वाई को एम ले तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है आप एक्स वाली टर्म पहले होती है तो आप एक्स को वन अपॉन एक्स को एम लो वन अपॉन वाई को एन लो कोई प्रॉब्लम नहीं या वन अपॉन वाई को एम लो इसे एन लो इस बार हम ए बी वेरिएबल यूज करेंगे ठीक है सो रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग वन अपॉन एक्स बाय ए एंड वन अपॉन वाई बाय बी वेयर इन इक्वेशन इन इक्वेशन वन एंड टू तो इक्वेशन वन क्या बनेगा वन अपॉन वाई को हमें बी लेना है तो so, ये बनेगा सेवन बी माइनस टू ए इज इक्वल टू फाइव इक्वेशन नंबर थ्री और ये बनेगा एट बी प्लस सेवन ए इज इक्वल टू फिफ्टीन इक्वेशन नंबर फोर देखो यहां पर सेवन एट फिफ्टी सिक्स बना सकते हैं या टू सेवनजा फोर्टीन फोर्टीन बना सकते हैं टू और सेवन का एलसीएम सी फोर्टीन है सो so सिंपल हम इक्वेशन थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन फोर को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे हमें दो नए इक्वेशन मिलेंगे इक्वेशन नंबर फाइव और इक्वेशन नंबर सिक्स सो so, हमें दो इक्वेशन क्या मिलेंगे देखो यहाँ पर हमें सेवन से मिले सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन बी माइनस फोर्टीन ए इज इक्वल टू कितना मिलेंगे यहाँ पर थर्टी फाइव सो फोर्टी नाइन बी माइनस फोर्टीन ए इज इक्वल टू सेवन फाइव जर्टी फाइव ये इक्वेशन नंबर हमें फाइव मिलेगा और इस वाले इक्वेशन को हमें क्या है इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेशन फोर को हमें टू से मल्टीप्लाई करने एट टू झा सिक्सटीन सेवन टू झा फोर्टीन सिक्सटीन बी प्लस ए इज इक्वल टू थर्टी सिक्सटीन बी प्लस कितना मिलेंगे पर, फोर्टीन ए इज इक्वल टू फिफ्टीन टू जर्टी इक्वेशन नंबर सिक्स अगर देखा जाए तो यहां पर माइनस फोर्टीन है प्लस फोर्टीन है तो दोनों इक्वेशन हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे

सेवन वन ज सेवन इसको इधर शिफ्ट कर दो सो माइनस टू ए इज इक्वल टू ये फाइव और यहां पर ये माइनस सेवन हो जाएगा सो माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस टू दैट इज टू एज इक्वल टू टू मतलब ए की वैल्यू कितनी मिली हमें टू अपॉइट टू मतलब ए की वैल्यू मिली हमें वन बी की भी वैल्यू हमें वन मिली और ए की भी वैल्यू हमें क्या मिली वन मिली अब यहां पर हमने जो अज्यूम किया था मतलब रिप्लेस किया था अब वो वैल्यू हम उसे रिटर्न कर देंगे बट क्या है

एक्स इज इक्वल टू वन is इक्वल टू वन इज द सोल्यूशन फॉर गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन ओके उम्मीद है आपको एग्जाम्पल अच्छे समझाउंगा बढ़ते हम next question question number फाइव की तरफ अब एग्जाम्पल नंबर फाइव में ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है यहां पर ऑलरेडी वन अपन फॉर्मेट में इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया पर डिनोमीटर में टू है यहां पर फाइव याद रखो आप और ये इक्वेशन सेकंड है याद रखो इक्वेशन सेकंड मतलब गिवन इक्वेशन सेकंड है मतलब इसका पे तो हमने उसे सेपरेट लिखा फाइ इंटू वन अपॉन फॉर्मेट में लिखा माइनस टू इंटू वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री वाई पहले से ऑब्जर्व किया तो गिवन इक्वेशन में देखो थ्री एक्स प्लस फोर वाई थ्री एक्स प्लस फोर वाई और दूसरी टर्म टू एक्स माइनस थ्री वाई टू एक्स माइनस थ्री वाई तो मतलब ये नॉन लीनियर तो है तो इसे हमें रिड्यूस करके रिप्लेस करके सॉल्व करना होगा सो so, देखो यहां पर हम क्या करेंगे अपॉन को हम M से रिप्लेस करेंगे और वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री वाई को एन से रिप्लेस करेंगे इक्वेशन और टू में तो इक्वेशन क्या मिलेगा हमें देखो यहां पर इसके जगह पर हमें क्या मिलेगा एम मिलेगा पर अपॉन टू तो है ना वो एम अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री वाई की जगह पर हमने क्या पुट किया एन पुट किया और अपॉन फाइव डिनोमीटर पर फाइव अपॉन फाइव पे पे इज़ से ऑब्जर्व करेंगे इसका डिनोमीटर पे टू फाइव फोर तीनों डिफरेंट नंबर है तो इनका एलसीएम मतलब इन तीनों के टेबल में कौन सा नंबर होता है सो so, टेन अगर हम लेंगे तो टू के और फाइव के टेबल में होता है टेबल में नहीं होता है तो ट्वेंटी तो 20 क्या है इनका एलसीएम मतलब इक्वेशन थ्री को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है देखो मैं आपको इसको रफ करके बताता हूं देखो ये क्या यहां पर इंटू ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी ये रफ कैलकुलेशन है सो so, ये टू वनजा टू टेन झा टेन इंटू एम टेन एम फाइव वनजा फाइव फोर झा सो फोर इंटू एन फोर एन और फोर वनजा फोर फाइव फाइव वनजा फाइव तो नया इक्वेशन क्या मिला हमें टेन एम प्लस फोर एन इज इक्वल टू फाइव सो टेन एम प्लस फोर एन इज इक्वल टू फाइव ये इक्वेशन नंबर फाइव मिलेगा ठीक है अब इक्वेशन फोर और फाइव को अच्छे से ऑब्जर्व करो सो so, इक्वेशन फाइव में टेन एम ए और इक्वेशन फोर में फाइव एम ए तो इसे हम टेन एम बना सकते हैं सो so, इक्वेशन फोर को हम क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू फाइव टेन ये बनेगा टेन एम ठीक है देन माइनस टू टू ज फोर फोर एन इसे हम टू से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेंगे देखो यहां पर माइनस थ्री अपॉइंट टू इन टू टू सो ये टू टू के मतलब क्या बचेंगे यहां पर माइनस थ्री बचेगा सो ये होगा माइनस थ्री इक्वेशन नंबर सिक्स मतलब थ्री को हमने चेंज करके इक्वेशन हमारा फाइव मिला और फोर को चेंज करके हमारा इक्वेशन नंबर सिक्स मिला अब फाइव और सिक्स को अच्छे से देखो यहां पर भी पॉजिटिव टेन एम है यहां पर भी पॉजिटिव टेन एम है हम दोनों इक्वेशन क्या करेंगे सब्ट्रेक्शन करेंगे सो सब्रैक्शन करने के बाद हमें क्या मिले देखो टेन एम माइनस टेन एम ये कैंसिल हुआ फोर एन प्लस फोर एन एट एन इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री ये भी मिला एट तो एन की वैल्यू क्या मिला हमें एन की वैल्यू मिलेगी वन ठीक है अब एन की वैल्यू वन हम क्या करेंगे इक्वेशन अभी सिंपल वाला इक्वेशन कौन था हमारे देखो ये सिंपल इक्वेशन है Uh, या तो हम इक्वेशन फाइव में पुट कर सकते हैं इक्वेशन सिक्स में भी पुट कर सकते हैं ठीक है सो इक्वेशन फाइव में हम पुट करेंगे सो टेन एम प्लस फोर इन टू वन इज इक्वल टू फाइव टेन एम इज इक्वल टू देखो ये फाइव ये फोर वन जोर इधर आके क्या होगा ये माइनस होगा ठीक है सो टेन एम इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें ये वन सो एम की वैल्यू मिलेंगे हमें वन अपॉन टेन एम की वैल्यू क्या मिलेंगे हमें वन अपॉन टेन मिलेंगी बट हमने ये दो रिप्लेस मतलब नए वेरिएबल लिए किसके किसकी जगह पे हमने ये लिए थे बट देखो क्या था वो वन अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर वाई एम इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर वाई एंड एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री वाई टू एक्स माइनस थ्री वाई बस अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो एम की वैल्यू कितनी वन अपॉइंट टेन वन अपॉइंट टेन इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर वाई थ्री एक्स प्लस फोर वाई वन जाए इज इक्वल टू क्रॉस करो टेन वन इक्वेशन माला इक्वेशन नंबर सेवन और ये हमें मिलेगा देखो एन की वैल्यू कितनी मिली हमें वन वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री वाई सो टू एक्स माइनस थ्री वाई वन जा टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन इक्वेशन नंबर एट अब इस वाले में हमें यहां पर x और y दोनों टर्म दिए मतलब हमें दो नए इक्वेशन मिलेंगे अगर मिले अब मिल ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करना है देखो यहां पर आपको इलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है तो ये आपको अब इतना छोटा सा आपको, है? है आपको सॉल्व करना है और आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है इलिमिनेशन मेथड अगेन आपको या तो इसको सिक्स एक्स बनाओ इसको सिक्स एक्स बनाओ या तो ये फोर्थ इजाइट 12, इसको ट्वेल्व वाई इसको ट्वेल्व वाई बनाओ ठीक है सो मल्टीप्लीकेशन वगैरह ऑपरेशन आप करेंगे तो आप फाइनल एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगे तो आपको फाइनल एक्स की वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर टू और वाई की वैल्यू मिलेंगी वन याद रखो ये दो वैल्यू आपको मिलना चाहिए डायरेक्ट मत लिखो आप वरना आप सर ने ऐसा कहा ऐसा ही लिखेंगे नहीं ये नहीं चलेगा ये दो इक्वेशन आपको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और आपको ये फाइनल वैल्यू मिलेंगे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स के सब एग्जाम्पल अच्छे समझे होंगे अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर सेवन सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स अब इसमें जो ये फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर विथ डिजिट इंटरचेंज एड अप टू द 143 फोर्टी थ्री ये हमारी कंडीशन वन हो गई इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज थ्री मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस फाइंड द Original number. तो देखो आप एक बात अच्छे से याद रखो जब भी टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन होगा तो याद रखो हमें पर क्या करना है unit place digit और place digit. देखो, unit place digit और देखो हमें करना है तो देखो अब कुछ स्टूडेंट यहां पर इसे एक्स अज्यूम करेंगे इसे वाई अज्यूम करेंगे कुछ स्टूडेंट यूनिट को एक्स अज्यूम करेंगे और टेंस प्लेस डिजिट को अज्यूम करेंगे तो देखो जैसे हमारे पास एक नंबर है फिफ्टी फिफ्टी थ्री एक्चुअली अगर प्लेस कंसीडर करें तो 53 क्या, कैसे लिखते हम? मतलब so, मतलब हम ये ये, ये है, मतलब मतलब होता उसमें करते, ठीक है? सो उसी वे में अगर हमने यूनिट प्लेस को x एक्स्यूम किया और टेंस पर अगर y डिजिट दे तो टेंस प्लेस पर हमारा कौन है है ना, तो इसे हमने एक्स्यूम किया इसे हमने वाई एज्यूम किया तो हमारा नंबर क्या बनेगा y इंटू टेन प्लस एक्स मतलब टेन वाई प्लस एक्स ये बनेगा और अगर किसी स्टूडेंट ने यूनिट प्लेस पर y एज्यूम किया और टेंस प्लेस पर x एज्यूम किया तो वहां पर ओरिजिनल नंबर या मेन नंबर क्या होगा हमारा x इंटू टेन प्लस वाई मतलब टेन एक्स प्लस वाई तो ये दो चीजें आप अच्छे से याद रखो अगर हमारा टू डिजिट नंबर है तो हम यूनिट प्लेस वाला डिजिट और प्लेस प्लेस वाले डिजिट को हम करेंगे अगर किसी ने यूनिट पर वाई एज्यूम किया तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर होगा टेन वाई प्लस ए और अगर किसी स्टूडेंट ने टेंस प्लेस पर एक्स डिजिट एज्यूम और यूनिट प्लेस पर वाई एज्यूम किया तो उस पर हमें मिलेगा टेन एक्स प्लस वाई और इंटरचेंज पर अगर हम देखेंगे डिजिट को हमने इंटरचेंज किया मतलब यूनिट वाला टेंस पर टेंस वाला यूनिट पर तो ये ओरिजिनल नंबर है इंटरचेंज के बाद उसे ये नंबर मिलेगा रिवर्स रिवर्स डिजिट करने के बाद नंबर हम बोलेंगे और जिसका ये ओरिजिनल है रिवर्स करने के बाद उसका ये नंबर मिलेगा ये बात आप अच्छे से याद रखो ठीक है अब देखो यहां पर हमें क्या दिया है हम इसे सॉल्व करते हैं टेक्स्ट बुक में इसे सॉल्व करता हूं मैं लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज एक्स अब यहां पर देखो यूनिट टेन

तो यहां पर क्या बनेगा टेन एक्स प्लस वाई तो ये दो बातें आप अच्छे से याद रखो टेन वाई प्लस एक्स टेन एक्स प्लस वाई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन टू डिजिट नंबर प्लस द नंबर बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट पहली कंडीशन क्या हमारी वो जो टू टू डिजिट नंबर है मतलब ओरिजिनल नंबर उसे हम ऐड करें. करेंगे किससे ऐड करेंगे डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलेगा मतलब जो न्यू नंबर हमें मिलेगा उन दोनों की एडिशन कितनी है 143 सो ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर Is equal to 143. और नंबर नंबर हमारा 10Y plus X, 10Y plus X, और न्यू के हमारा न्यू तो 10X plus y is equal to 143. अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहां पर एक्स वन एक्स टेन कितना होगा ये इलेवन एक्स टेन वाई प्लस वन वाई इलेवन वाई अब ये तीनों नंबर यहां पर इलेवन से डिविजिबल है सो so, से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स प्लस वाई एंड वन हंड्रेड फोर्टी थ्री को अगर हम इलेवन से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा यहां पर थर्टीन मिलेगा आप चेक करके देखो वन हंड्रेड फोर्टी थ्री को इलेवन से डिवाइड करो आपको क्वेश्चन यहां पर थर्टीन मिलेगा हमको ठीक है फ्रॉम सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या है हमारी डिजिट इन द यूनिट प्लेस द गिवन नंबर डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज यहां पर इज वॉज विल बी तो वो इक्वल इक्वल तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो किसके इक्वल है थ्री मोर देन थ्री मोर मतलब तीन से ज्यादा है लेस रहा तो माइनस लेंगे मोर रहा तो प्लस लेंगे और टाइम्स रहा डबल टॉइस थ्री टाइम्स फोर टाइम्स सिक्स टाइम्स तो हम वहां पे मल्टीप्लाई लेंगे सो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट हमने किया एक्स सो एक्स इज इक्वल टू तो टेन डिजिट इन द टेंस प्लेस टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट लिया हमने वाई वाई प्लस थ्री टेन से मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें यहाँ पे सिर्फ डिजिट्स की बात की डिजिट और उसमें थ्री एड करने के बाद यूनिट प्लेस बनता है अब इसको वाई को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स माइनस इक्वल टू तो थ्री इक्वेशन नंबर टू बना ये इक्वेशन नंबर वन ये इक्वेशन नंबर टू अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो एक्टिविटी कंप्लीट करना हमें टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा टू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स कैसा होगा अभी दोनों एडिशन करें एक्स प्लस एक्स सॉरी एक्स प्लस एक्स कितना होगा टू एक्स हो जाएगा वाई वाई कैंसिल होगा थर्टीन प्लस थ्री थर्टीन और थ्री कितना होगा यहां पर सिक्सटीन होगा तो यहाँ पर होगा सिक्सटीन अब यहां पर हमें हम रफली सॉल्व कर रहे हमें एक्टिविटी में कुछ हमारी स्टेप ऐड नहीं करना याद रखो आप अच्छे से ठीक so है वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन एक्स प्लस वाईज इक्वल टू तो थर्टीन अब एक्स की वैल्यू कितनी मिली हमें 8, तो 8 यहाँ लिखा एक्स की जगह पर प्लस क्या आएंगे अब y की वैल्यू क्या आएंगी थर्टीन माइनस एट करना है हमें थर्टीन माइनस एट कितना होगा पे फिर अभी यहाँ पर हमें मिलेगा तो देखो x की वैल्यू हमें मिली एट और y की वैल्यू हमें मिली फाइव दिनल इज टेन वाई प्लस एक्स तो टेन वाई वाई की वैल्यू कितनी है फाइव सो so, यहां पर यह वैल्यू पुट करो टेन इंटू फाइव मतलब कितना मिलेगा हमें डायरेक्ट फिफ्टी मिलेगा ठीक है फिफ्टी और एक्स एक्स का मतलब कौन सा डिजिट हमने अज्यूम किया वहां पर वो यूनिट प्लेस का कितना है वो एट जो एक्स की वैल्यू फाइंड किया हमने सो आंसर होगा, ठीक है? अब देखते हैं कांताबाई बॉट वन एंड हाफ के जी टी एंड के जी शुगर फ्रॉम अ शॉप कांताबाई इस लेडी ने क्या किया शॉप में से वन एंड हाफ के जी टी और फाइव के जी शुगर लेकर आई पेड फिफ्टी एज रुपीज फिफ्टी एज रिटर्न फेयर फॉर द रिक्शा अब वहां पर उस सामान के साथ जो रिक्शा का किराया होगा फिफ्टी रूपीज उन्होंने पे किया टोटल हंड्रेड मिला के कितना खर्चा हुआ सेवन हंड्रेड वन एंड हाफ के जी टी उसकी प्राइस प्लस फाइव के जी शुगर की प्राइस प्लस फिफ्टी रुपीज फॉर रिक्शा ये तीनों के एडिशन मिला के कितने रुपए एक्सपेंसिज हो गए टोटल कांताबाई के सेवन हंड्रेड रुपीज तो यहां पर हमें कंडीशन वन मिलेगा देन शी रियलाइज दैट बाइयरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी बॉट विथ फ्री होम डिलीवरी एट द सेम प्राइस बाद में पता चला कि जो चीजें हम शॉप में से लेकर आते हैं ये ऑनलाइन भी ऑर्डर कर करके मिलती है और फ्री होम डिलीवरी है मतलब जो uh, रिक्शा का किराया का पैसा है वो वहां पर सेव हो जाएगा ये उन्हें पता चला तो फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस दिन फॉर टू के टी एंड सेवन के शुगर शी पेड एट हंड्रेड एंड एटी फॉर दैट अब ये दोनों का मिला कि कितना बिल होगा एट हंड्रेड एंड एटी हमें कंडीशन टू मिलेंगी फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर जी तो शुगर कितने रुपए किलोग्राम से कांता भाई ने लिया? और टी यानी कि चाय पत्ती हम कह सकते हैं ये कितने रुपए किलोग्राम से उन्होंने लिया तो हमें ये फाइंड करना है तो जो फाइंड करना है हम उसे अज्यूम करते लेट द रेट ऑफ वन के जी टी बी रुपीज एक्स एंड रेट ऑफ डेट ऑफ भी लिख सकते हैं आप यहां पर रेट ऑफ वन के जी शुगर वन के जी ऑफ शुगर बी रुपीज वाई ठीक है अब यहां पर हमने यह आज किया कि एक किलोग्राम चाय पत्ती कितनी की है एक्स रुपीज की है और शुगर कितनी की एक किलोग्राम वाई रुपीज की है अब स्टार्टिंग में उन्होंने किया वन एंड हाफ के जी टी और कितना लिया फाइव के जी शुगर सो द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ वन एंड हाफ के जी ऑफ टी वन एंड हाफ मतलब लिख सकते हैं तो ये कितना होगा कॉस्ट यहाँ पर और एक किलोग्राम की प्राइस कितनी लिया हमने x तो ये हो जाएगा वन पॉइंट फाइव एक्स या फिर उसको आप टू वन ज टू प्लस वन थ्री थ्री आर टू एक्स भी लिख सकते तो हैं तो यह आप, आप यहां पर डेसिमल में करना है तो डेसिमल में करो फ्रैक्शन में रखना है थ्री आर टू एक्स वो भी चलेगा एंड कॉस्ट ऑफ कितना लिया फाइव के जी फाइव के जी ऑफ शुगर वो कितना दिया टोटल सो फाइव के जी लिया फाइव एंड एक के जी का प्राइस कितना है वाई तो फाइव वाई रुपीज ठीक है उसके बाद उन्होंने क्या किया रिक्शा फेयर ठीक है रिक्शा फेयर कितना दिया वहां पर टोटल रुपीज फिफ्टी अब टोटल उन्होंने कितना दिया वहां पर देखो टी का अमाउंट शुगर का अमाउंट और रिक्शा का अमाउंट टोटल कुल मिला के उसने कितना रुपए खर्चा किया उस दिन सेवन हंड्रेड रुपीज सो फ्रॉम कंडीशन वन ओके सो वन पॉइंट फाइव एक्स टी के अमाउंट प्लस शुगर के अमाउंट प्लस रिक्शा अमाउंट इज इक्वल टू कितना लिया टोटल सेवन हंड्रेड रुपीज एक्सपेंसिव अब ये प्लस फिफ्टी क्या होगा माइनस फिफ्टी सो वन पॉइंट फाइव एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड फिफ्टी माइनस कितना मिलेगा 650. अगर देखा जाए तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं नहीं तो आप इसको ऐसे रहने दो सो so, यहां पर हम क्या करेंगे अब ये डेसिमल पॉइंट है हमें पता है अगर हम इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहां पर थ्री मिलेगा मतलब डेसिमल हट जाएगा वहां से सो so, चलो इस इक्वेशन को हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं सो so, ये क्या बनेगा 1.5 पॉइंट फाइव इन कितना बनेगा 3 थ्री एक्स प्लस फाइव टू जै टेन वाई 650, 65 का डबल कितना होता है 130, मतलब ये बनेगा इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर वन ठीक है अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं सेकंड कंडीशन में क्या कहा हमें कांता कांताबाई को ये रियलाइज हुआ कि ये जो प्रोडक्ट्स हम लेते हैं ये शॉप में न जाते हुए इसे हम ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं सेम अमाउंट में तो दूसरी बार उन्होंने क्या किया कितना के टी लिया वहां पर टू के ओके सो हमें यहां पर क्या मिलेगा द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ टू के जी ऑफ टी इज इक्वल टू वो कितना आएगा रुपीज टू के जी लिया तो टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कितना के जी उसने शुगर लिया उस वक्त सेवन के जी सेवन के जी ऑफ शुगर इज इक्वल टू सेवन वाई और दोनों को मिला कितना अमाउंट स्पेंड किया एट हंड्रेड कितना दिया है एट हंड्रेड एंड एटी सो फ्रॉम सेकंड कंडीशन ओके टी का अमाउंट कितनी है टी का अमाउंट कितनी है टू एक्स और शुगर क्या 7Y. मिला के अमाउंट सेवन वाई मिला केंड्रेड एंड एटी ओके अब यहां पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें अभी दो यहां 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 पर पर इक्वेशन मिले सो सेवन वाई ये थ्री टू मतलब इसे हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ओके सो इक्वेशन वन को हम टू से मल्टीप्लाई टू थ्री झा सिक्स ये बनेगा सिक्स एक्स प्लस टेन टू जै ट्वेंटी ट्वेंटी वाई और थर्टीन का डबल ट्वेंटी सिक्स टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यह बनेगा इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो थ्री टू सिक्स एक्स प्लस टू एट हंड्रेड एंड एटी आप थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर फोर अब इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर दोनों तरफ क्या है सिक्स एक्स से अब यहां पर हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे ठीक है सो सब्ट्रेक्टिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं यही पे सप्ट्रेशन करता हूं आप ऐसा मत करो आप आ, उसको आ, आगे नेक्स्ट सॉल्व करो पर मैं इसको यही पे सॉल्व करता हूं सो so, ये माइनस 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 सिक्स एक्स कैंसल देखो सप्ट्रेशन किया वो स्टेटमेंट आप एड करो बीच में ट्वेंटी वाई माइनस ट्वेंटी वन वाई माइनस वाई इज इक्वल टू टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी ऑब्वियसली स्मॉलर माइनस भी करे माइनस में आंसर होगा कितना आंसर है हमारा यहाँ पर फोर्टी आंसर होगा माइनस फोर्टी मिलेगा फोर वाई की वैल्यू कितनी मिली फोर्टी अब ये y की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन वन में पुट करो या इक्वेशन टू में पुट करो ठीक है चलो अब हम यहाँ पर y की वैल्यू फोर्टी पुट करेंगे सो टू एक्स प्लस सेवन इन टू फोर्टी इज इक्वल टू एट हंड्रेड एटी टू एक्स प्लस कितना आएगा सेवन फोरज ट्वेंटी एट टू एटी इज इक्वल टू एट हंड्रेड एंड एटी टू एटी को इधर शिफ्ट करो टू एक्स इज इक्वल टू एट एटी माइनस टू एटी टू एक्स इज इक्वल टू यह कितना टू सिक्स हंड्रेड का हाफ कितना होता है थ्री हंड्रेड सो मतलब जो टी की वन के जी की प्राइस कितनी होगी थ्री हंड्रेड रुपीज और शुगर की कितनी होगी वाई की वैल्यू कितनी मिली हमें फोर्टी ये हमारा फाइनल आंसर होगा ओके उम्मीद है आपको एग्जाम्पल अच्छी समझाऊंगा स्टूडेंट अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए एग्जाम्पल नंबर थ्री है टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी अब ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें एक्टिविटी में इस प्रॉब्लम सेट में दिया है एक्टिविटी का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो फोर बॉक्सेस वाला या सिक्स बॉक्सेस वाला जहां पे सॉल्यूशन ऑलरेडी पूरा वहां पर गिवन होता है सिर्फ हमको बॉक्सेस की वैल्यू फिल करना है ये उस टाइप का नहीं है ये सिर्फ हमको हिंट के तौर पे दिया है यहां पर अब क्वेश्चन का अरेंजमेंट देखो ऐसा किस वे में किया है उन्होंने सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ रुपीज हंड्रेड अनुष्का के पास हंड्रेड रुपीज के एक्स नोट मतलब एक्स नोट मतलब नंबर ऑफ नोट्स वन हो सकती है टू थ्री फोर फाइव कितने भी हो सकती एंड वाई नोट्स ऑफ रुपीज फिफ्टी इच फिफ्टी रूपीज उसके पास वाई नोट ठीक है अनुष्का गॉट रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फ्रॉम द आनंद एज डिनिनेशन मेंशन अबो मतलब उसको अनुष्का को टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज मिले अनंत के अनंत की तरफ से और उसमें हंड्रेड रुपीज की भी नोट से और फिफ्टी रुपीज की भी नोट से. कितने है? हमें नहीं पता पन हंड्रेड रुपीज के नोट्स के अमाउंट और फिफ्टी रुपीज नोट्स के अमाउंट दोनों नोट्स के अमाउंट मिला के टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज है उससे हमारा इक्वेशन वन मिलेगा अब सेकंड कंडीशन हमको क्या दिया है

फाइव हंड्रेड कम करेंगे तो टू थाउजेंड मिलेंगे उसको इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स करेंगे तो उससे हमें टू मिलेगा और लास्ट में हमें एक्स वाई निकालना है आनंद ने अनुष्का को हंड्रेड रुपीज से कितने नोट्स दिया और फिफ्टी रुपीज से कितने नोट्स दिया तो देखो ये क्वेश्चन समझते आप एक बात अच्छे से याद रखो रफ वर्क करेंगे आप थोड़ा सा आ, सपोज मैं आपको कहता हूं कि आपके आ, पापा ने आपको टेन रुपीज के सपोज थ्री नोट दिए देखो ये तेन, ये ये की नोट है नंबर ऑफ जिसको हम आज्यूम कर रहे वाई। और आपके पापा ने आपको सपोज फाइव रुपीज के आ, फोर नोट्स दिए ठीक है ये नंबर ऑफ नोट से. तो रुपीज के आपके पास टोटल अमाउंट कितनी हो गई थर्टी और फाइव से कितनी हो गई ट्वेंटी और टोटल अमाउंट कितनी हो गई फिफ्टी तो फिफ्टी आपने कैसा फाइन किया टेन रुपीस के टेन नोट्स ठीक है प्लस फाइव रुपीज के फोर नोट्स मिला के यहाँ पर सॉरी अमाउंट होगा है बर ना हमें हंड्रेड रुपीज की नोट और फिफ्टी रुपीज की नोट दे कितने दिए पता नहीं ये वाई दिए और ये एक्स दिए तो ये यहाँ पर दोनों की एडिशन करके यहां पर टू थाउजेंड फाइव लेना हमें समझो आपको सो so, देखो हम क्या अज्यूम करेंगे अज्यूम के लिए भी हमको स्टेटमेंट दिया है अनुष्का हैड एक्स नोट्स नोट्स ऑफ ऑफ एंड वाई ठीक है उसके पास टोटल अमाउंट कितनी होंगी एक्स हंड्रेड रुपीज नोट की हंड्रेड एक्स होगा ठीक है so, सो यहां पर हम वो मैंशन करेंगे तो आप डिरेक्ट ले लो फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट क्या है आनंद से उसको टोटल टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज मिले तो उसमें हंड्रेड रुपीज के भी नोट्स नोट फिफ्टी रुपीज के भी नोट्स से हंड्रेड so, रुपीज से कितने नोट्स मिले उसको x मिले ठीक है प्लस फिफ्टी रुपीज के कितने नोट्स मिले y मिले और टोटल कितना अमाउंट मिला टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हमारी कंडीशन वन बस इसे हम सॉल्व करेंगे हंड्रेड एक्स प्लस फिफ्टी वाई इज इक्वल टू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब देखा जाए तो ये नंबर देखो ये फिफ्टी से डिविजिबल तीनों नंबर सो हम ये इक्वेशन को फिफ्टी से डिवाइड करेंगे फिफ्टी so, कितना मिलेगा हमें टू टू एक्स फिफ्टी फिफ्टी कैंसिल कितना बचेगा वाई और यहाँ पर हम करेंगे तो कितना मिलेगा ये 5, 5, 25, मतलब यहां पर भी हमें मिलेगा फिफ्टी ठीक है so, सो यहाँ पर ये बना हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब सेकंड इक्वेशन में क्या होगा वहां पर आनंद ने क्या किया पहले उसने एक्स हंड्रेड रुपीज के नोट दिया था और फिफ्टी फिफ्टी रुपीज के वाई नोट दिया था अब इंटरचेंज होगा मतलब हंड्रेड रुपीज की वो वाई नोट देगा और फिफ्टी रुपीज की वो एक्स नोट देगा तो वो वाला पार्ट हम यहां पे मेंशन करते हैं इफ द नोट्स आर इंटरचेंज देन यहां पे कितना आएगा वाई वाई नोट्स ऑफ रूपीज हंड्रेड एंड एंड एक्स नोट्स ऑफ रुपीज फिफ्टी ठीक है तो यहां पर हम कंडीशन सेकंड लेंगे फ्रॉम कंडीशन सेकंड फ्रॉम कंडीशन सेकंड सो अब सेकंडो हंड्रेड रुपीज के कितने नोट्स मिले 100 के वाई नोट मिले प्लस फिफ्टी रुपीज के कितने नोट्स मिले एक्स मिले और ये दोनों की एडिशन से तो कितने मिली पहले वाले से फाइव हंड्रेड रुपीज लेस मिले तो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड था फाइव हंड्रेड लेस करो तो कितना मिलेंगे यहां पर हमें टू थाउजेंड मिलेगा हमारे इक्वेशन नंबर से सॉरी इक्वेशन सेकंड में होगा ये इसे सॉल्व करेंगे हम सो हंड्रेड इन टू वाई हंड्रेड वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू टू थाउजेंड अगेनि से डिवाइड करो सो so, ये बनेगा टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ये कितना मिलेगा यहां पर हमें फोर्टी मिलेगा रीजन में हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय फिफ्टी ऐसा भी लिख सकते हैं बस अब इसको एक्स uh, वाली टर्म पर ले लो एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर्टी इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड ठीक है अब इक्वेशन वन में टू एक्स है यहां पर एक्स है यहां पर वाई यहां पर टू वाय हम क्या करेंगे किसी एक को हम मल्टीप्लाई करके सेम टर्म बनाएंगे यहां पर uh, ये यह फोर्टी ना चलो इसको टू एक्स बनाते हैं और सब ऑपरेशन करते हैं सो so, यहां पर हम क्या करेंगे देखो इक्वेशन टू को इक्वेशन टू को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू एटी इक्वेशन नंबर थ्री अब इक्वेशन वन में भी टू एक्स है और इक्वेशन थ्री में भी टू एक्स ये दोनों के हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे देखो सब्ट्रैक्शन करने के बाद टू एक्स टू एक्स कैंसिल वाई माइनस फोर वाई माइनस थ्री वाई मिलेगा और फिफ्टी माइनस थर्टी माइनस थर्टी मिलेगा सो दैट इज थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टी वाई इज इक्वल टू थर्टी अपॉन थ्री वाई इज इक्वल टू टेन वाई की वैल्यू कितनी मिला हमें टेन अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन वन में पुट करेंगे ठीक है सो टू एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू फिफ्टी ये टेन क्या होगा माइनस होगा टू एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी ये माइनस टेन कितना क्या मिला मतलब पहले हमने एक्स क्या जिम्मेम किया था हंड्रेड रुपीज so, के नोट सो देखो वेरीफाई करते हम हंड्रेड रुपीज के ट्वेंटी नोट्स प्लस फिफ्टी रुपीज के टेन नोट्स कितनी हो जाए टोटल हम हो? देखो ये कितना होगा यहां पर टू थाउजेंड प्लस फिफ्टी इंटू टेन फाइव हंड्रेड तो कितना तो आएंगे पार्ट नहीं है सो हंड्रेड रुपीज के उसके पास ट्वेंटी नोट्स थे और फिफ्टी रुपीज के टेन नोट्स थे ठीक है उम्मीद है आपको एग्जाम्पल अच्छी समझाऊंगा स्टूडेंट चलो बढ़ते नंबर फोर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीषा एंड सविता इज थर्टी वन ओके okay. मतलब जो प्रेजेंट एज है मनीषा का आज की जो एज है और सविता की दोनों की एज, की एज की एडिशन कितनी है थर्टी वन ये कंडीशन वन होगा एज थ्री एगो इयर्स एगो मतलब तीन साल पहले मनीषाज एज वॉज है ना तीन साल पहले मनीषा की एज इक्वल थी वॉज इज विल बी इक्वल है किसकी इक्वल है फोर टाइम्स द एज ऑफ सविता तीन साल पहले मनीषा की एज जो है वो इक्वल है किसके इक्वल है सो के के so, हम क्या करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा बी एक्स इयर्स एंड दैट ऑफ या आप लिखो प्रेजेंट एज ऑफ सविता बी वाई इयर्स फ्रॉम कंडीशन वन कंडीशन वन क्या कहती है दोनों के प्रेजेंट एज की एडिशन कितनी है थर्टी वन है मनीषा so, का प्रेजेंट एज कितना है एक्स से सविता का प्रेजेंट एज कितना है वाई दोनों की सम कितनी है थर्टी वन इक्वेशन नंबर वन ठीक है अब वहां पर हमें कंडीशन क्या दिए है एगो मतलब पास्ट तीन साल पहले तो पहले हम दोनों की तीन साल पहले कितने एज थी वो फाइन करते सो थ्री ईयर्स एगो थ्री ईयर्स एगो मनीषास मनीषास वॉज आज मनीषा कितने साल की है x अब तीन साल पहले तो तीन साल हम उसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे तो उसकी एज कितनी होगी x माइनस थ्री ईयर्स एंड सविताज एज सविताज एज वॉज आज कितने साल की सविता y उसमें से हम थ्री माइनस करेंगे ईयर्स फ्यूचर की बात होगी तो इसमें प्लस करो पास की बात होगी तो यहां पर माइनस कर दो अब इसके ऊपर कंडीशन है फ्रॉम कंडीशन सेकंड क्या कंडीशन है थ्री इयर्स एगो मनीषाज एज वाज, है ना तीन साल पहले की बात है तीन साल पहले की एज निकाली है मनीषाज एज मनीषाज मनीषास लिखने की जरूरत नहीं है बट आपको समझने के लिए देखा मैंने तो तीन साल पहले मनीषा की एज कितनी दी एक्स माइनस थ्री ठीक है फोर टाइम्स सविता एज कितनी तीन साल पहले वाई माइनस थ्री बस इसे सॉल्व करो आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगा सो देखो ये क्या मिलेगा हमें एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर इन टू वाई फोर वाई माइनस फोर थ्री ट्वेल्व अब यहां पर वाई वाली टर्म इधर ले लो और ये कॉन्स्टेंट टर्म इधर भेज दो सो एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ये माइनस ट्वेल्व और ये प्लस थ्री सो एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें माइनस नाइन मिलेगा इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन वन में भी एक्स है और इक्वेशन टू में भी एक्स है हम दोनों इक्वेशन क्या करेंगे सब्ट्रेक्शन करेंगे माइनस प्लस प्लस ओके सो एक्स एक्स कैंसिल कितना होगा फोर्टी सो वाई इज इक्वल टू फोर्टी अपॉन फाइव वाई इज इक्वल टू एट मिला हमें ठीक है अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्या करेंगे हम y की वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे सो एक्स प्लस एट इज इक्वल टू थर्टी वन एक्स इज इक्वल टू थर्टी वन माइनस एट ट्वेंटी थ्री सो अब मतलब फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे यहां पर देर फॉर प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा इज ट्वेंटी थ्री ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज एट ईयर्स ठीक है आप यहां पर लिख सकते हो सोल्यूशन का पार्ट ओके okay. उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा समझाऊंगा चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल एंड अनस्किल वर्कर इज फाइव टू थ्री यहाँ से हमें कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन वन मिलेगा अब यहां पर हमें स्किल एंड अनस्किल वर्कर स्किल वर्कर कहेंगे जिसके पास वर्क का एक्सपीरियंस है और उनकी सैलरी भी ज्यादा होंगी ऑब्वियसली अनस्किल मतलब जो ट्रेनिंग पर्पज में है मतलब जिनका जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं हम कह सकते हैं ठीक है थीके? इनके कंपेयर में उनका वर्क कम ही होगा तो उनकी सैलरी भी कम होगी तो टोटल सैलरी ऑफ 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 वन डे बोथ हंड्रेड एंड ट्वेंटी अब उनकी फाइव टू थ्री सैलरी दी है पर दूसरी कंडीशन क्या दी है एक दिन की दोनों की सैलरी स्किल वर्कर की और अनस्किल वर्कर की कितनी है सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज फाइन डेली वेजेस वेजेस हम किसे कहेंगे सैलरी अमाउंट डेली वेजेस ऑफ स्किल एंड अनस्किल वर्कर तो उनके दोनों की जो दो रोज की सैलरी कितनी है मतलब स्किल वर्कर की कितनी रोज की और अनस्किल कितनी टोटल दोनों की सेवन ट्वेंटी आना चाहिए ठीक है सो देखो अभी से हम सॉल्व सॉल्व कैसे करेंगे सो हम डेली वेजेस ऑफ स्किल की एक्स रुपीज बोलेंगे और अनस्किल वर्कर के हम वाई रुपीज अंज्यूम करेंगे सो लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर बी रूपीज एक्स एंड दैट ऑफ अनस्किल वर्कर बी रुपीज वाई ठीक है अब ये देने के बाद हमको वहां पर फर्स्ट कंडीशन क्या दिए फ्रॉम कंडीशन वन उनकी सैलरी का हमको रेशो दिया है ठीक है क्या रेशो दिया हमको स्किल वर्कर सैलरी और अनस्किल वर्कर सैलरी कितनी दी है फाइव टू थ्री क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई बस फाइव वाई के टर्म को इधर शिफ्ट कर लो देअर फोर थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू कितना जीरो okay? अब इक्वेशन टू क्या कंडीशन दी हमको कि उनके जो अभी डेली हमको एक्स और वाई दी है तो, टो, टोटल कितना है सेवन ट्वेंटी है मतलब आज की स्किल वर्कर की सैलरी एक दिन की और अनस्किल की दोनों को मिला कितनी है सेवन ट्वेंटी इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ यहां पर अब बस इसे हमें क्या करना है सॉल्व करना है अब हम क्या करेंगे इक्वेशन टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा थ्री एक्स प्लस थ्री वाईक्वल टू सेवन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा मिलेगा। पर ठीक है। अब 1 and 3 का हम क्या करेंगे Subtraction करेंगे। ओके सॉरी यहां पर थ्री वाई प्लस फाइव वाई एट वाई होगा और ये बन जाएगा थ्री थाउजेंड so, सिक्स हंड्रेड सो यहाँ पर हमें क्या पॉजिटिव मिलेगा वाईज इक्वल टू थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अपॉन इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें पर आंसर कितना मिलेगा ये ठीक है अब आप जो है ये वैल्यू जो इक्वेशन टू में पुट करेंगे कितना मिलेगा टू हंड्रेड एंड सेवनटी ठीक है सो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे ऑफ स्किल एंड अनस्किल वर्कर आर फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी टू हंड्रेड एंड सिक्स लिखो दियर फोर ऐसा स्टेटमेंट दियर फोर द लेट मत लिखो दिल वर्कर हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड दैट ऑफ लिखो या फिर डेली वेजेस ऑफ अनस्किल वर्कर इज रुपीज टू हंड्रेड एंड सेवनटी इस वे में हमने ये एग्जाम्पल नंबर फाइव को सोल्व किया अब बढ़ते है प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स एग्जाम्पल नंबर सिक्स है प्लेसेस ए एंड बी आर थर्टी किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन द स्ट्रेट स्ट्रेट रोड रोड एक के ऊपर दो प्लेसेस है ए और बी और उनके बीच में थर्टी किलोमीटर का डिस्टेंस है हमीद ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक अब ए प्लेस से हमीद ने ट्रेवल किया बी की तरफ ऑन बाइक एट द सेम टाइम उसी टाइम पर जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी बाइक ट्रेवल्स टूवर्ड्स ए जो सिटार्ट किया और ए की तरफ जा रहा है वो ठीक है दे मीट इच अदर आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स वो एक दूसरे मतलब जब हमीद ए से बी की तरफ जा रहा है उसी टाइम पर जो से बी से ए की तरफ जा रहा है तो एक पॉइंट एक प्लेस ऐसा होगा कि वो दोनों वहां पर मिलेंगे और वो कब मिलेंगे ट्वेंटी मिनट्स के बाद ठीक है यहां तक हमारी कंडीशन फर्स्ट है तो हम ये डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे समझते हैं और इससे हम इक्वेशन वन बनाते हैं अब लास्ट में हमको पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ तो हम वो दोनों जो हमें फाइंड करना है उसे हम क्या करेंगे अज्यूम करेंगे तो यहां पर हमने क्या अज्यूम किया लेट द स्पीड ऑफ हमीद बी एक्स किलोमीटर पर आर एंड स्पीड ऑफ जोसेफ बी वाई किलोमीटर पर आर ठीक है अब यहां पर देखो स्ट्रेट रोड है और यहां पर हम अज्यूम करेंगे ए प्लेस ए और यहां पर बी प्लेस ए ठीक है अब यहां से हमीद ने स्टार्ट किया हमीद इस डायरेक्शन में बी के डायरेक्शन में और यहां से जोसेफ ने स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में अब दोनों सपोज एक पॉइंट ऐसा यहां पर सी दोनों यहां पर मिल गए ठीक है दे मीट इच अदर आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स हमीद और जोसेफ ठीक है ये इतना एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आप स्किप कर दो यहां पर और यहां पर हमको एक कंडीशन क्या दी है ए से बी का डिस्टेंस कितना दिया है? हमें थर्टी किलोमीटर टाइम दिया है डिस्टेंस दिया है स्पीड के बारे में मतलब यहां पर हमारा स्पीड वाला टाइम वाला फार्मूला यूज होगा डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज होगा तो हमें पता है एक फार्मूला क्या कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है स्पीड इन टाइम होता है या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जिसकी जरूरत नहीं हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे अब यहां पर हमें टाइम कितना दिया है 20 मिनट्स अब ये बात आप अच्छे से याद रखो हमने स्पीड क्या जिम किया है x किलोमीटर पर आर तो यूनिट के हिसाब से हमने पर आर लिया है तो इस मिनट को भी हमको आर में कन्वर्ट करना होगा तो मिनट और आर में मिनट स्मॉल यूनिट है आर बिगर यूनिट है तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको 60 से डिवाइड करेंगे सो so, 60 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 21 जा, 20 23 जा. मतलब ये बनेगा 1/3 आर तो टाइम एक्चुअली ट्वेंटी मिनट्स मतलब वन थर्ड आर इतना हो जाएगा ठीक है अब फ्रॉम कंडीशन वन कंडीशन वन क्या है यहाँ पे हमीद ने ए प्लेस से जो है तो अपनी जर्नी स्टार्ट किया बी की तरफ और जोसेफ ने बी से ए की तरफ स्टार्ट किया दोनों के बीच का डिस्टेंस थर्टी किलोमीटर है और दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे ट्वेंटी मिनट्स के बाद तो इससे हम कंडीशन वन लिख सकते हैं सो फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट देखिए बहुत ही इजी मेथड में मैं आपको ये एग्जांपल समझा रहा हूं आपको जल्द से जल्द और आसानी से ये समझे थोड़ा लेंदी है बट इसको समझने की कोशिश करो अब देखो कंडीशन वन हम क्या करेंगे दो पार्ट में देखेंगे इसको फॉर हमीद फॉर जोसेफ ठीक है अब यहां पर हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम अब यहां पर हमें डिस्टेंस ले तो हमीद का डिस्टेंस कितना हो देखो हमीद ने ए से स्टार्ट किया सी तक तो उसका ए सी डिस्टेंस हुआ डायग्राम के हिसाब से और उसकी स्पीड स्पीड कितनी है हमिद की स्पीड हमने क्या किया इन टू टाइम टाइम तो दोनों को सेम लग रहा है कितना मिनट्स मतलब सो हमें ए सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन थ्री ठीक है यह हमारा डिस्टेंस हुआ जोसेफ के लिए हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम उसका डिस्टेंस कितना है बी से स्टार्ट किया सी तक तो बीसी उसका डिस्टेंस हुआ जोसेफ का स्पीड कितनी है उसकी वाई टाइम कितना है सेम वन अपॉन थ्री आर सो दियर फोर बीसी क्या मिलेंगे हमें वाई अपॉन थ्री अब हम यहां पर इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे एसी डिस्टेंस और सीबी बोलो या बीसी बोलो बीसी डिस्टेंस मिल कौन सा डिस्टेंस बन रहा है एबी डिस्टेंस बन रहा है तो इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगा तो देखो हम यहां पर क्या करेंगे नाव एबी क्या हमारा देखो एसी प्लस बीसी ए सी प्लस बीसी बोलो या सीबी बोलो इज इक्वल टू क्या है एबी एसी कितना हमारा यहां पर देखो एसी एक्स अपन थ्री प्लस बीसी कितना हमारा वाई अपॉन थ्री अच्छे समझो आप ये इज इक्वल टू ए बी अब एबी का डिस्टेंस डिस्टेंस ही लिया ना मैंने डिस्टेंस एसी का डिस्टेंस कितना है एक्स अपॉन थ्री बीसी एसी और बीसी मिला के ए बी बन और है और एबी का डिस्टेंस कितना दिया हमें थर्टी किलोमीटर सो ये हो जाएगा थर्टी अब यहां पर हम क्या करेंगे थ्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या मिलेंगे यहां पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नाइनटी मिलेगा इक्वेशन नंबर वन और यहां पे आप रीजन दो क्या रीजन देंगे हम यहां पर मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग बाय थ्री डिनोमेटर थ्री वो कैंसिल करेंगे 3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है स्टूडेंट समझा आपको क्या किया देखो डायग्राम से और समझो इसको एक बार हमीद ने ए से स्टार्ट किया बी की तरफ जा रहा है जोसिफ ने बी से स्टार्ट किया और ए की तरफ जा रहा है एक पॉइंट ऐसा लिया हमने सी जहां पर वो दोनों मिलेंगे टाइम कितना लगेगा उनको ट्वेंटी मिनट्स के बाद मिलने वाले और ए और बी का डिस्टेंस कितना है थर्टी किलोमीटर एक फॉर्मूला हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टाइम टाइम अब हमको दोनों का टाइम कितना दिया है ट्वेंटी तो मिनट किया वन अपॉइंट्री आर कंडीशन वन हम डिस्टेंस के लिए अप्लाई करेंगे पर दोनों के लिए अलग अलग पहले फाइंड करेंगे तो हमिद के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारा डी इज इक्वल टू एस इन टू टी तो हमिद का डिस्टेंस कितना है ए से सी तक मतलब ए सी इज इक्वल टू स्पीड उसकी टाइम वन अपॉइंट थ्री है एक्स वन जक्स अपॉन थ्री एक्स अपॉन थ्री और सिमिलरली जोसेफ का हमको मिला वाई अपॉन थ्री सो so, अब यहां पर देखें हमने डायग्राम से तो AC सी प्लस सी मिलकर क्या बन रहा है AB बी सेगमेंट बन रही है ना तो वही हमने डिस्टेंस लिया और उसे सॉल्व करके हमें पहला इक्वेशन क्या मिला x प्लस वाईक्वल टू नाइनटी अब दूसरी कंडीशन हम रीड करते हैं और दूसरा इक्वेशन हम क्रिएट करेंगे देखो अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया हमको इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम B एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन अब जोसेफ हमने B पॉइंट पे लिया है ना B प्लेस पर जोसेफ ने क्या किया अगेन अब वहां से उसने स्टार्ट किया तो वो अब अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है इंस्टेड ऑफ टू वर्ड से अब वो ए की तरफ जा रहा है अब वो बी से अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर थ्री आवर्स अब हमीद तो ए से बी की तरफ जा रहा है पर एक जगह ऐसी होंगी एक पॉइंट पर वो दोनों मिलेंगे तो फिर कब मिलेंगे वो थ्री आवर्स हमीद उसको कॉट करेगा है ना हमीद और वो दोनों मिलेंगे कब मिलेंगे थ्री आवर्स के बाद फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ अब यहां से हमारी दूसरी कंडीशन है तो देखो दूसरी कंडीशन भी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं देखो यहां पर यहां से कौन था हमारा हमीद ए और यहां पे कौन था जोसेफ बी पॉइंट पर ठीक है ये सी ए पहली कंडीशन अब जोसेफ ने स्टार्ट किया अपोजिट है मतलब ये डायरेक्शन पे गया जोसेफ हमीद तो ऑलरेडी इधर आ रहा है ठीक है अब एक पॉइंट ऐसा यहां पर होगा सपोज हम डी पॉइंट लेंगे हमीद और जोसेफ यहां पर मिलेंगे और उस वक्त में टाइम कितना होगा थ्री आवर्स थ्री आवर्स के बाद वो दोनों यहां पर मिलेंगे पर ये डिस्टेंस हमें पता है ये डिस्टेंस कितना हमारा थर्टी किलोमीटर ये डिस्टेंस आप भूलो मत यहां से ए से लेके बी तक का टाइम कितना दिया उनका थ्री आवर्स ठीक है फिर वही फॉर्मूला फ्रॉम कंडीशन सेकंड लेंगे हम फ्रॉम कंडीशन सेकंड ठीक है अगेन यहां पर भी दो पार्ट फॉर हमीद एंड फॉर जोसेफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम ठीक है अब यहां पर देखो डिस्टेंस कितना है अब किसका डिस्टेंस है हमीद का अब हमिद का डिस्टेंस ए से डी तक है तो एडी हुआ ठीक है सो ए डी ये डी बोला क्या स्पीड हमने कितनी की है एक्स और टाइम कितना लगा इसको थ्री तो एडी कितना मिला हमको थ्री एक्स ठीक है अब यहां पर हम जोसेफ के लिए सॉल्व करेंगे जोसेफ के लिए डिस्टेंस क्या होगा देखो जोसेफ बी से निकला और डी तक पहुंचा तो बी डी उसका डिस्टेंस हुआ बी डी और स्पीड कितनी उसकी y और टाइम कितना लगा थ्री दियर फोर बी डी इज इक्वल टू थ्री वाई अगेन हम क्या लेंगे हाँ तो पास है एडी अब ए बी प्लस बी डी मिलकर क्या बन रहा है AD बनेगा देखो ए बी प्लस बी डी मिलकर क्या बनेगा पूरा AD बनेगा सो so, देखो ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी ठीक है ए बी कितना हमारा ए बी कितना है पहले दिया था हमको किलोमीटर प्लस बी डी कितना है बी डी थ्री वाई इज इक्वल टू ए डी कितना है थ्री एक्स ठीक है हम क्या करेंगे आप यहां पर देखो ये थ्री एक्स वाई टर्म को इधर लेंगे माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टी होगा बस इसे हम प्रॉपर वे में लिखेंगे थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टी आप यहां पर थ्री है यहां पर थ्री है यहां पर थर्टी है पूरा इक्वेशन जो है ये थ्री से डिवाइड होता है सो so, थ्री से डिवाइड होने के बाद यहां पर बचेगा x यहां पर बचेगा y यहां पर होगा टेन इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड आप यहां पे बोल सकते हैं डिवाइडिंग बाय थ्री ऐसा भी अब इक्वेशन वन में प्लस वाई यहां पर माइनस वाई दोनों इक्वेशन का हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे एडिशन करो y y कैंसल टू एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी मिलेगा ठीक है अब ये वैल्यू वन में पुट करो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नाइनटी सो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी फिफ्टी फिफ्टी प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन्टी वाई इज इक्वल टू नाइनटी माइनस फिफ्टी वाई इज इक्वल टू फोर्टी तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा आपको फाइनल आंसर वहां पर प्रॉपर वे में लिखना है क्या आंसर होगा हमारा फाइनल वहां पर हमीद ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ फिफ्टी किलोमीटर या आप लिख सकते हैं देयर फोर द स्पीड ऑफ हमीद इज फिफ्टी किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ जोसेफ इज फोर्टी किलोमीटर पर आर ठीक है आई होप स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम सेट वन के ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझे होंगे हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर नंबर से लेकर क्वेश्चन सॉल्व किया था इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन के पूरे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए थैंक यू